विधानसभा चुनाव 2018 में राजीव विधानसभा से कांग्रेस को बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी संतोष उपाध्याय को 58,132 मतों से हराकर जीत हासिल की है। तो वहीं बिंद्रा नवागढ़ सीट को भाजपा प्रत्याशी डमरूधर पुजारी ने बड़ी मुश्किल से बचाया। देखिए संवाददाता शेख इमरान की खास रिपोर्ट। 2018 विधानसभा चुनाव में राजीव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। अमितेश शुक्ला सहित किसी राजनीतिक जानकार ने ये नहीं सोचा था कि राजीव से अमितेश शुक्ला को 99,000 मत मिलेंगे। मतगणना प्रारंभ से ही अमितेश भाजपा और जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों से काफी आगे चल रहे थे। इस सिलसिले ने रुकने का नाम नहीं लिया और मतों का आंकड़ा 99 पार कर गया और अमितेश शुक्ला को एक बड़ी जीत मिली। वहीं भाजपा प्रत्याशी संतोष उपाध्याय मतगणना प्रारंभ से ही काफी पीछे चल रहे थे और अंतिम परिणाम में उपाध्याय महज 40,909 मतों में ही सिमट कर रह गए। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रत्याशी रोहित साहू कुल 23,776 मतों में ही सिमट गए। अमितेश शुक्ला ने जीत हासिल करते हुए कहा कि वे अपने पिता का रिकॉर्ड पार कर गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 58,000 मतों से जीत मिलेगी। देखिए इसमें बहुत से कारण थे। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि राहुल जी जो आए और उन्हें जैसे ही बोला कि किसानों का कर्जा जो है 10 दिन में माफ करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए माहौल बना पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह। उसके बाद लगातार जो है हमारे सीनियर नेता और पूनिया जी ने जो एक घोषणा पत्र बनाया एक जबरदस्त तरीके का, उसमें जो चीज़ें थी वो भी बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरा यहाँ पर एक पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो एक हमारे परिवार का जो शाम भैया के समय से जो एक पारिवारिक संबंध रहा है स्नेह प्रेम का, और उसके कारण जो है स्नेह और प्रेम के कारण जो है जितनी भी इनने कोशिश करी, जितने भी पैसा और हर तरह की चीज़ें करी, उसके बाद भी जो है वो जनता जो है वो प्रेम और स्नेह जो है वो छलकाना था। एक परिवार जैसे लड़ रहा है उस तरीके से उनने हम मेरी रक्षा करके मुझे जिताया। अभी आपने विश्वास किया था कि 99,000 आप उठ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा था ये रिकॉर्ड मानते हैं। हाँ, ये रिकॉर्ड निश्चित रूप से जीतूंगा बहुत अच्छी तरह सोचा था, मगर मैं अपने पिताजी के कदमों चलते हुए पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। उनका 37,000 था, ये मैं नहीं सोच पाया था। अमितेश शुक्ला की जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर उठ पड़ी और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल बन गया। हमारी जनता के आशीर्वाद से मेरे भाई अमितेश शुक्ला जी ने इतनी ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, तो मैं उनकी तरफ से अपने परिवार की तरफ से बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ। हमारी जनता का जो उन्होंने इतना विश्वास किया कि वो उनके आप पूरे खरे उतरेंगे अपने सब वायदों में, कांग्रेस के सब वायदों से वो पूरा सब योजनाएं एक एक गांव में पहुंचाएंगे, ये पूरी उन्होंने उनके उन पे विश्वास करके इतना अच्छा किया है। इसमें जनता का जो मन है वो दिखता है, जो किसानों की अब सरकार बन रही है। अमितेश भैया किसानों को साथ लेके चलेंगे, शाम भैया के समय जैसे चलते थे सबको लेके। गरीबों की सरकार बनी है, बड़े काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ये देखते हुए लोगों ने एक मत पूरा अमितेश भैया को जिताया है। और अब आगे अब सबको मिलके काम करना है, मतदाता जो है सबके सब पार्टियों के अब सबके लिए करेंगे और बड़ा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे। जीत का पूरा श्रेय 100% जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जो जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्तागण है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जोन के अध्यक्ष प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, NSUI यूथ कांग्रेस, सबको पूरा श्रेय जाता है। पूरे 100% कांग्रेस कार्यकर्ता और जो राजिम की जनता है उनको पूरा श्रेय जाता है। लेकिन बिंद्रा नवागढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी संजय नेताम भी जीत के करीब पहुंच तो गए थे, पर भाजपा प्रत्याशी डमरूधर पुजारी के आगे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी संजय नेताम ने भाजपा प्रत्याशी डमरूधर पुजारी को जोरदार टक्कर दी। अभी अभी हमने राजीव विधानसभा से जीते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी अमितेश शुक्ला से बात किए, उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़े हैं और इस बार उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। कुल मतों की अगर बात करें तो 99,041 मत उन्हें मिला है, एक बड़ा रिकॉर्ड जो है कांग्रेस के झोली में जाते दिख रहा है। और अगर बात करें इस बार राजीव विधानसभा की, तो अमितेश शुक्ला ने करीबन 58,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी संतोष उपाध्याय को हराया है और उसकी खुशी देख सकते हैं तमाम यहाँ पे देर तक जो है कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनकी जो लगातार जो मतगणना को लेकर जो चाक चौबंद देखी गई, देख सकते हैं पुलिस के जवान जो यहाँ पे मौजूद है लगातार जो है हर एक पहलू को संभाले हैं, तमाम यहाँ तक मौजूद है। और इसी के साथ
अगर बात करें कांग्रेस की तो राजीव विधानसभा से कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, लेकिन एक निराशाजनक खबर जो है कांग्रेस के लिए है बिंद्रानगर विधानसभा से, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी संजय नेताम को कड़े कांटे के मुकाबले में एक हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर बात करें डमरूधर पुजारी को तो डमरूधर पुजारी बीच में आते ही उन्हें एक ऐसा जीत का एक लक्ष्य मिला और वो जीत कर ही दिखा दिए बिंद्रानगर विधानसभा से। और यहां पर अगर बात करें तो एक तरफ जो है बिंद्रानगर से भाजपा जश्न मना रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही है और दोनों ओर जो है जीत के नारे लगाए जा रहे हैं। चुनावी जंग में कांग्रेस को बिंद्रानगर में हार का सामना करना पड़ा। बिंद्रानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी डमरूधर पुजारी को कुल 79,619 मत मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय नेताम कुल 69,189 मतों पर सिमट गए। कुल मिलाकर भाजपा से डमरूधर पुजारी ने 10,430 मतों से जीत दर्ज की है। ये जीत है, जनता की जीत है, बिंद्रानगढ़ के मतदाताओं की जीत है। समस्त मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार। माननीय पुजारी जी ने 5 सालों तक जनता की सेवा किया, जिसका परिणाम आज हम जीत के आए हैं और ये जीत हम जनता को समर्पित करते हैं। आने वाला 5 साल भी दिन रात जनता की सेवा में पुजारी जी काम करेंगे। समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। मैं पहले क्षेत्र का जनता को आशीर्वाद मांगा हूँ और आशीर्वाद दिए हैं और कार्यकर्ता पूरे बिंद्रानगढ़ का क्षेत्र के कार्यकर्ता का मेहनत है और सब पहले कार्यकर्ता को और जनता को देता हूँ। वो हार जीत होता है ना, हार जीत तो सबका लगा हुआ है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। हमारे क्षेत्र का जनता ने मुझे आशीर्वाद और कार्यकर्ता मेहनत से तो मैं जीता हूँ। कितना जनता की योजनाओं तक अपनी योजनाओं को सब तक पहुँचा पाएंगे, जबकि उनके हम लोग में सरकार है वो कांग्रेस की नहीं, वो कांग्रेस का रहे या जो बीजेपी का रहे, हमारा क्षेत्र का पहले प्राथमिकता रहे जो भी विकास के नाम से, और पूरे हमारे जनता के सामने हम जो मांग करेंगे वो काम अधिक से अधिक कराएंगे। राज्य विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष उपाध्याय को मिली करारी हार के बाद कहीं ना कहीं भाजपा हार की वजह ढूंढने में जुटी हुई है। देखिए, हमारे जिले में 2 विधानसभा सीट है, नवागढ़ को हम लोग जीते हैं, राज्य में हम लोग हार गए हैं और पूरे प्रदेश में एक कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जिस मेहनत किए थे, कल्पना किए थे, एक बदलाव का, जो परिवर्तन का एक लहर चल गया, उसके कारण से हम लोग बहुत सीट हार गए हैं। ठीक है, अभी अब हार की वजह अपन अब चुनाव परिणाम पूरे आने के बाद में ऊपर के हमारे जो नेता हैं सबके साथ बैठ करके जो बात होगी, समीक्षा होगी, चर्चा होगी, तो एक कोई कारण कहने का भी नहीं है। जो भी कारण होगा सब समीक्षा के बाद समझ में आएगा, पता लगेगा, तब आपको बताएंगे। मतदान होने के तत्काल बाद ही सभी प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जीत के लिए ताल ठोका जा रहा था। वहीं मतगणना के दिन पहले ही राउंड से अमितेश शुक्ला बढ़त बनाए हुए थे, जो बढ़ते बढ़ते आखिरी राउंड तक ऐतिहासिक जीत के रूप में तब्दील हो गई और विशाल जीत के रूप में अमितेश शुक्ला को राजिम के विधायक के रूप में जनता ने फिर से क्षेत्र की कमान सौंपी। उनकी विशाल जीत को लेकर जनता के द्वारा अमितेश शुक्ला को पुनः कोई बड़े पद दिए जाने की मांग करते देखा जा रहा है। साथ ही सरल और स्वच्छ छवि के नेता होने के कारण उन्हें पार्टी कोई बड़े पद पे आसीन कर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उन्हें देगी, ये जनता का भरोसा है। हमारे जो पुनिया जी ने जो जबरदस्त मेहनत करी, उसमें भी कोई बहुत जबरदस्त उन्होंने मेहनत करी। तीसरा, जो लगातार यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो लगातार एक युद्ध लड़ा जबरदस्त तरीके से, जो भाजपा के कहना चाहिए पैसे और हर तरह की, उनने जो यहाँ पर करोड़ के करीब जो है वहाँ यहाँ पर उनने 48 घंटे में पैसा भी बांट दिया, उसमें बहुत कोशिश हुई, तरह तरह की चीज़ें करी गई, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। हिम्मत से जनता ने जो एक मुझे कहना चाहिए मौका दिया है और मुझे एक आशा जो उनने करी है कि मैं उनकी आशा के अनुकूल जो है खरा उतरूं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और निश्चित रूप से एक परिवार जो हम लोग का है, हम लोग जिस परिवार से आते हैं और जो पिताजी श्यामाचंद शुक्ला जी से जो मैंने सीखा है, जो उनने मेरे को जो सिद्धांत और आदर्शों की राजनीति कराई है, उस सिद्धांत और आदर्शों की राजनीति को करते हुए मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करते रहूंगा। अमितेश की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया और एक नए रिकॉर्ड के साथ अमितेश शुक्ला जीत का परचम लहराने में कामयाब हो ही गए। लेकिन जिस तरह
अगर बात करें कांग्रेस ने जो सोची थी, जो दावे किए थे, वहाँ को करीब पहुँच चुके हैं। राज्य विधानसभा में लगभग जो है अमितेश शुक्ला एक बड़े रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गए हैं। वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि राज्य विधानसभा से उन्हें 58,000 मतों से उनको जीत हासिल होगी। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड जो है कांग्रेस ने कायम किया, 58,000 मतों से जीता है, ऐसा कभी सोचे थे यहाँ के लोग? बोलो भाई बताइए, सोचे थे कभी? हाँ सर, मैं तो बिंद्रानगर क्षेत्र से आया हूँ। कांटे की टक्कर रही है जी, संजय नेताम ने जी संजय नेताम जो कांग्रेस यहाँ पे जीत लगा रहा था अपना, वो उनका भ्रम था, क्योंकि हम हमेशा ही छुरा से लेकर गरियाबंद तक हमारे पार्टी कुछ क्षण के लिए पीछे रहता है, और जैसे ही मैनपुर पहुंच जाता है बीजेपी, उसके बाद बीजेपी को देवभोग, मैनपुर और झागरपारा, ये बीजेपी का गढ़ है, और इसमें हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कदापि भी कांग्रेस वाले बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। एक हार का सामना करना पड़े, क्या वजह, बड़ी वजह क्या है? देखो, हमारा कुछ ऊपर महोदय लोगों से कुछ चूक हो गया है, जिसमें और हमने भविष्य में लगातार 3 बार सत्ता में अपना हासिल कर चुके थे, इसलिए लोगों का कुछ ऐसा मनसा बना होगा और वो अपना एको बदल दिए हैं। आपका नाम? मैं चैन सिंह कश्यप, सरीगुड़ा, बृंदनगर विधानसभा क्षेत्र के जो है रहवासी हैं। आप बताएंगे क्या कांग्रेस को जिस तरह से एक बड़ा मिला है और भाजपा को हार मिला, क्या वजह मानते हैं इस अंतर का? नहीं, अभी तो इस बारे में हमने कोई विचार या बैठक उठक हुई नहीं है, अभी तो हम माननीय पुजारी जी जीत के आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। पुजारी जी, अगर बात करें, बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, कहीं कांटे की टक्कर उन्होंने पार करते हुए जीत को हासिल किया है, क्या बड़ी वजह रही? नहीं, उनके साथ पूरे कार्यकर्ताओं का साथ रहा है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, रात दिन हमने खुद मेहनत किया है, जितने खड़े हैं सब लोग मेहनत किए हैं और मतदाताओं के घर पहुँचे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से पुजारी को जीत मिली है? जी जी, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत मिली है पुजारी जी। एक बीच में कड़ा अंतर नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं संजय नेताम आगे चल रहे थे, धड़कनें तेज हो गई थी, अचानक परिवर्तन आना, इसे क्या समझ? ऐसा मैं नहीं मानता था कि हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि मैं 294 बूथ पर मैं पूरा 20 दिन तक मैं सर्चिंग किया हूँ, पूरा मतलब घर घर जानता हूँ कि समाज से लेकर एक प्रत्येक व्यक्ति जो अपने मेरे को विश्वास था कि मैं जीतेंगे, मतलब पुजारी जीत जाएंगे, मेरा इतना विश्वास था, और मैं पुजारी जी सर निजी रहता हूँ, और मैं एक एक मोहल्ले से लेकर एक पारा था। नाम आपका? मैं अरविंद सोम, सिदली जोर से हूँ, और जी जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं पुजारी के समर्थक है, जिनको ये विश्वास था कि पुजारी कहीं ना कहीं जीतेंगे। तो इस कांटे के मुकाबले में, जो अगर बृंदनगर विधानसभा की बात करें, तो कांटे के मुकाबले में अब बीजेपी ने जीत हासिल किया है, लेकिन दूसरी ओर जो है ये सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा है प्रदेश भर में, अमितेश शुक्ला जिस तरह से जी बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल, मतदाता भी चाहते थे कि पुजारी जी जीतें, क्योंकि बीच में ऐसा लगा कि कांग्रेस आगे चल रही थी जी, लेकिन हमको विश्वास था कि इंदा गांव के उस पार से भारतीय जनता पार्टी का बढ़त होगा, यानी इंदा गांव से जब लीड करना शुरू किया तो आपको पूरा विश्वास हो गया कि डमरूधर पुजारी बिल्कुल 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 विश्वास है। देवभोग के मतदाता और कार्यकर्ता इनके ये क्योंकि डमरूधर पुजारी जो है ये सरल हृदय वाले। खबर आपको बता दें, अभी अनाउंसमेंट और 79,000 बताया जा रहा है, 79,000 से पुजारी जीत हासिल किए हैं, ये अभी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जीत जो है बल्कि कम हुआ है, और उससे ज़्यादा भी जीतते, कुछ हमारे चूक के वजह से भी हमने इस बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। बिल्कुल, तो ये लगातार इनका कहना है कि अगर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत होती तो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकते थे। तो कुछ इस तरह से रुझान रहा है, और कुछ इस तरह से राजिम विधानसभा और बृंदनगर का जो परिणाम है रहा है, जिसमें राजिम विधानसभा से अमितेश शुक्ला को जीत मिली है, रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है, और भाजपा से अगर कहे तो बृंदनगर ने, भाजपा से डमरूधर पुजारी ने जीत हासिल किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर थोड़ी सी अगर ज़्यादा मेहनत की जाती तो उन्हें एक बड़ा रिकॉर्ड मिल सकता था। मैं Griff.in के लिए शेख इमरान, गरियाबंद। Griff.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.griff.in.